वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग एकदम सब मजा में एकदम झक्कास बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज किस वीडियो में एक मोटोरोला की बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये फोन कल के दिन में लॉन्च हुआ था मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इसकी ऑल इन स्पेक्स के बारे में बात करेंगे अब की बार, इसके साथ में मोटोरोला ने क्या क्या नई चीज़ें पैक की है, क्या क्या चीज़ें पैक नहीं की। तो दोस्तों इस मोबाइल में एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिल जाती है आप लोगों को, इस मोबाइल की कवर डिस्प्ले। तो आगे भी इसके और बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, क्या करो यार, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के साथ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो इस मोबाइल के साथ में 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है और USB A to C केबल आते हैं इस मोबाइल के साथ में। और अगर बात करें इस मोबाइल के लुक और डिज़ाइन के बारे में, तो इस मोबाइल का जो लुक और डिज़ाइन है बहुत ही ऑसम देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के साथ में विवा मेजेंटा कलर देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले एक मोटो का एक फ़ोन आया था, उसमें विवा मेजेंटा कलर देखने को मिला था। तो इसके साथ में भी एक विवा मेजेंटा कलर देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसका डिज़ाइन भी बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल पोर्ट एंड बटन्स के बारे में। तो इस मोबाइल में नीचे की ओर USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, राइट साइड में पावर अनलॉक बटन, उसके ऊपर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर के ऊपर माइक्रोफोन, और इस मोबाइल के ऊपर की ओर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में सिम कार्ड ट्रे स्लॉट देखने को मिल जाता है, इसमें आप लोग 1 फिजिकल सिम ऐड कर सकते हो। बात करें इस मोबाइल के मेन हाईलाइट के बारे में, तो ये इस मोबाइल की मेन हाईलाइट इसकी कवर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी जो कवर डिस्प्ले है इसमें आप लोगों को कॉर्निंग, गोरिल्ला ग्लास, विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और ये डिस्प्ले 3.6 इंच का देखने को मिलता है, HD+ PoLED के साथ में आता है। इसके साथ में 144Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है और 1100 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है इसके साथ में। तो दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर आप लोग वीडियो गेम चला सकते हो, इसके अंदर आप लोग गाने सुन सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, इसके अंदर आप लोग किसी के मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है इसके अंदर आप लोगों को। जो बहुत सारी 90% चीज़ें आप लोग इसके बाहर से कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों, जो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन आएंगे उसको आप लोग बाहर से देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल की मेन डिस्प्ले के बारे में। तो इस मोबाइल में अंदर की ओर एक बहुत ही शानदार डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मोबाइल के अंदर की ओर 6.9 इंच का फुल HD+ PoLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट है 165Hz देखने को मिल जाती है और 1400 nits की पीक ब्राइटनेस है और HDR10+ को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जो अंदर की डिस्प्ले है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस मोबाइल के अंदर की साइड के चेन एंड बेजल्स के बारे में, तो बहुत ही एवरेज साइज में देखने को मिल जाते हैं। अगर इस मोबाइल के प्रोसेसर की ओर देखें तो इस मोबाइल में बहुत ही शानदार प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो बेस है 4 नैनोमीटर पर। अगर बात करें इसके अंतुतु स्कोर के बारे में, तो जो इसका अंतुतु स्कोर है वो 9 लाख अबाव के आसपास देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल की डिस्प्ले के साथ में आप लोग मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हो दोस्तों बैठे बैठे आराम से। तो इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है बहुत ही स्मूथ है, इसकी जो रिफ्रेश रेट है बहुत ही फास्ट देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल के साथ में 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, मोबाइल 30W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस मोबाइल में रैम रोम का एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, ओनली LPDDR5 8GB रैम, 256GB UFS 3.2 स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस मोबाइल के OIS के बारे में, तो इस मोबाइल में आप लोगों को एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल के साथ में क्लीन UI देखने को मिलते हैं आप लोगों को। और इस मोबाइल में इस मोबाइल की डिस्प्ले को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस मोबाइल का जो बैक का कैमरा है इसको आप लोग वेब कैमरे की तरह भी यूज ले सकते हो, इसे आप लोग कैमरे जैसे यूज ले सकते हो, इसे आप लोग सेल्फी खींच सकते हो। तो इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं इसके इसकी कवर डिस्प्ले उसके। तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को बहुत ही शानदार हिंच देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल की जो हिंच है इसमें आप लोगों को एकदम 0 gap देखने को मिलता है दोस्तों, इसको आप लोग एक हाथ से फ्लिप कर सकते हो। और इस मोबाइल की जो ग्रीस की लाइन दिखती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है आप लोगों को, जब आप लोग इसमें साइड से देखोगे जब भी दिखेगी इसकी ग्रीस की लाइन। अब बात कर लेते इस मोबाइल के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस मोबाइल में बैक साइड में 12 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जो OIS के साथ में आता है, और 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और इस मोबाइल में सेल्फी कैमरा 32 MP का देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के फ्रंट और बैक के कैमरे से आप लोग 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को 3 साल के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस मोबाइल के वेट के बारे में, तो इस मोबाइल में 184 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस मोबाइल जो मल्टीमीडिया है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलती है, ऊपर से इस मोबाइल में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
अब बात कर लेते इस मोबाइल के एक आध और फीचर्स के बारे में। तो इस मोबाइल में IP52 रेटिंग देखने को मिलती है वाटर प्रूफिंग के लिए। अब बात कर लेते इस मोबाइल के कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये मोबाइल 5G सपोर्ट करता है, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है और ब्लूटूथ 5.3 NFS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही शानदार मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो अगर बात करें इस मोबाइल की प्राइस के बारे में, तो इस मोबाइल की जो प्राइस है वो आप लोगों को 83,000 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। ये था मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा। आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियो में। तो चलते ही जय हिंद, वंदे मातरम।